उस मीटिंग ने उड़ा दी ममता दीदी की नींद। अमित शाह लेंगे पीएम के अपमान का बदला। शुरू होने वाला है बंगाल में तूफानी खेल। बीजेपी ने तलाश लिया ऐसा चेहरा जो ममता दीदी को देगा सीधी मार। लगता है बीजेपी बंगाल में कुछ बड़ा करने जा रही है, या फिर यूं कहें कि बहुत बड़ा होने जा रहा है। पूरी सियासी पिक्चर को ध्यान से समझने के लिए आपको एक बार ध्यान से सुननी और समझनी पड़ेगी, और वो है ये। अमित शाह की मुलाकात के बाद ही जैसे ही मीडिया के सामने आए गौरव गांगुली, तो उन्होंने मोदी की नहीं ममता दीदी की तारीफ की। अमित शाह जैसे ही दिल्ली आए सौरभ गांगुली तुरंत ममता बनर्जी के पास पहुंचे और कहा दीदी प्रणाम। लेकिन बीजेपी को अपना बदला लेना आता है, तो क्या वो सौरभ गांगुली को किसी न किसी तरीके से बीजेपी में शामिल कर लेगी? इतिहास गवाह है कि अमित शाह सियासत की कच्ची गोलियां नहीं खेलते। तभी तो ममता के हाथों मिली हार के जख्म को बीजेपी आज तक भुला नहीं पाई। इसलिए बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी सबसे बड़ा चेहरे की तलाश में है, वो चेहरा जो सीधे सीधे ममता दीदी को उन्हीं के गढ़ में ना सिर्फ टक्कर दे बल्कि बंगाल में बंगाली अस्मिता वाले झंडे को थाम ममता बनर्जी के लिए चुनौती भी बने। तभी तो इस रणनीति को अंजाम देने के लिए खुद बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कमान संभाली है। दो दिन पहले की तस्वीरें याद कीजिए, जब बंगाल के टाइगर और बीजेपी के चाणक्य के बीच मीटिंग हुई। मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि आज बच्चा बच्चा बंगाल में कह रहा है कि अगर दादा यानी कि सौरभ गांगुली बीजेपी की तरफ से सियासत की पिच पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो फिर ममता दीदी और उनकी पूरी टीम मिलकर भी उन्हें आउट नहीं कर पाएगी। सौरभ गांगुली को बंगाल का टाइगर यूं ही नहीं कहा जाता, ये वही गांगुली हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी से हिंदुस्तान को विदेशी पिच पर देश के खिलाड़ियों को लड़ना सिखाया और जीतना भी सिखाया। वो गांगुली जिसने कई बार अपने दम पर जीत का खिताब उठाया, वो गांगुली जिसके खून में रगों में देशभक्ति राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी है। मगर सवाल ये कि क्या बंगाल के टाइगर सौरभ गांगुली मोदी की झोली में बंगाल डाल पाएंगे? क्या शाह की मीटिंग के बाद ये तय हो चुका है कि बंगाल की शेरनी को बंगाल के टाइगर ही हराएंगे? वो कैसे, तो जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बीजेपी का प्लान है क्या। भारत में BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में उसकी चलती है जिसकी सरकार होती है, उसी की टूटी बोलती है। और ऐसा माना जाता है कि बीजेपी की पहली पसंद सौरभ गांगुली है, इसलिए उन्हें BCCI का चीफ बनाया गया। और फिर अमित शाह के बेटे जय शाह को गांगुली के नीचे की कुर्सी सौंप दी गई। बकायदा इसके बाद शाह बंगाल में सौरभ गांगुली के घर खाना खाने गए। इसके बाद बंगाल में सियासी तूफान आ गया। खबरें और अफवाहें तो इस बात की भी है कि बीजेपी सौरभ को सियासी पिच पर उतारने के लिए 3 साल पहले से तैयारी कर रही है। वो किसी भी हाल में बीजेपी का बंगाल में सौरभ को चेहरा बनाना चाहती है ताकि बंगाली पंडित यानी सौरभ गांगुली पर पूरे देश की मीडिया का फोकस हो जाए, जो बीजेपी चाहती है। वैसे तो गांगुली का बंगाल में क्रेज है, मगर गांगुली की एक मजबूरी भी है। वो फिलहाल मजबूरी क्या है आगे आपको बताएंगे, लेकिन एक गंभीर बात को पहले जरा ध्यान से सुनिए। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान सौरभ गांगुली से सवाल किया गया। पत्रकार ने सवाल किया, क्या आप राजनीति में आने वाले हैं? सौरभ का जवाब सुनिए। सुबई तो कुछ हो ना, यानी हर कोई हर एक रोल के लिए नहीं बना होता है, मगर माना जाता है कि राजनीति में जो कहा जाता है वैसा होता नहीं, जो बोला जाता है वो तो हरगिज नहीं होता। वैसे भी बंगाल में गांगुली का ठीक ठाक बिजनेस चलता है, कई क्रिकेट एकेडमी चलती हैं, और ऐसे में अगर वो बीजेपी में जाने का इशारा करते हैं तो फिर ये तय मानिए कि ममता उनकी राजनीतिक दुश्मन बन सकती है। इसलिए रणनीति के तहत बीजेपी यानी कि मोदी और शाह ने तय किया है कि बीजेपी बंगाल में गांगुली के हिसाब से चलेगी। याद कीजिए, चुनाव से पहले सौरभ गांगुली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर मोदी के साथ दिखाई दिए। इसके बाद बकायदा बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई, अफवाहें उड़ने लगी। इस बीच सौरभ की तबीयत नासाज हुई तो अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री ने फोन करके उनकी तबीयत का हाल चाल जाना, और सौरभ गांगुली अब BCCI के अध्यक्ष हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह BCCI बोर्ड के सचिव हैं। इसलिए ये चर्चाएं उड़ती रहती है कि बीजेपी उन्हें बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा बनता हुआ देखना चाहती है।
वैसे भी बीजेपी दावा करती आई है कि बंगाल में बंगाल का चेहरा ही मुख्यमंत्री होगा। तो क्या कावली वाकई में बीजेपी में आएंगे? अभी थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन संकेत और संदेश बहुत हद तक साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।